भारतीय अदाकारा भारती सिंह ने सिखों की दिल आजारी पर माफी मांग ली। भारत की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने कॉमेडी के दौरान सिखों की दिल आजारी पर माफी मांग ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारती सिंह की एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो दाढ़ी मूछों के हवाले से मजाक करती नजर आई। सिख मजहब से तअल्लुक रखने वालों ने दाढ़ी मूछों से मुतल्लक कॉमेडी पर शदीद रद्द अमल दिया। इनका कहना था कि खास अंदाज में दाढ़ी और मूछे रखना हमारी पहचान है, भारती सिंह ने हमारा मजाक उड़ाया। कॉमेडियन ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि खुश करने के लिए कॉमेडी करती हूँ। अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई है तो बहन समझकर माफ कर दिया जाए। इनका कहना था कि आजकल हर कोई दाढ़ी रखता है, मैंने किसी का नाम लेकर मजाक नहीं उड़ाया। कॉमेडी के दौरान बस एक आम सी बात की थी, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, किसी को निशाना बनाना मेरा मकसद नहीं था। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैंने भेजा भी गया, मैंने मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है 2 दिन तो। मैं तुहानू भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं कभी भी। मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, उहदे विच मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोला कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल ए प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड दे नाल कि दाढ़ी मूछ तो अजकल हर कोई रखता है, बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात के लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगती हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखागी और मैं पता है कि पंजाबी होने के नाते मैं प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ।